टर्की वाइज इन इंडिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जा रहे हैं बेट द्वारका और मुझे पता मैंने एक ही एयरिंग डाले, इससे पहले आप कमेंट करें। और यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है जो 40 रुपीज़ की आती है। और यहाँ से भी हम जाएंगे। क्या हुआ? 4,500 किसका? तुम्हारी फैमिली जाएगी। पर्सनल बोट कितने के हैं भैया? कितने के हैं? इग्नोर। 2500 बोला। कितने के हैं? कितने सवारी? 4। 5,000। थैंक यू। आगे बैठो। आ जाए ओके भैया। हालत कुछ खराब ही है। लाइफ जैकेट कैसा लग रहा है दोस्तों? टर्की वाइज इन इंडिया। ओ भाई, दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल यार। लगेंगे आपको बेट द्वारका आने में। बस से आपने व्यू तो आपने देख लिया कितना प्यारा है। एक्सीडेंट करके आए हैं। वहाँ पे फोन लेना अलाउड नहीं है। हमारे साथ पंडित जी हैं, वो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता। समुद्र के बीच में सोने की द्वारका बसा के भगवान कृष्ण जी यहाँ पर मेरे थे। ये भेज द्वारका क्यों बोले के भगवान के परम मित्र सुदामा, सुदामा पूरी पोरबंदर से पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल की लेके भगवान को मिलने आए। चावल का भेंट किया, भेंट द्वारिका नाम प्रचलित हुआ। जितने भी हिंदी भाषी यात्री लोग आते हैं इनको भेंट बोले। हमारे गुजराती लोग इनको बेट बोले। बेट का मतलब टापू, आइलैंड। आइलैंड को बेट बोले। तो ये भेंट द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, रहने का घर। गोमती द्वारका आप लोग दर्शन करने के लिए जाओगे वो भगवान का ऑफिस है, राजकचरी। गोमती नदी है, पूर्व में से निकल के पश्चिम में रत्नागर सागर के साथ में नदी का संगम हुआ। नदी का नाम पर से उसी द्वारकापुरी का नाम प्रचलित हो गया गोमती द्वारका। जहाँ आप लोग दर्शन करने के लिए जाओगे वहाँ साल भर में 50 लाख यात्री दर्शन के लिए आते हैं। उसमें से 95% यात्री लोग द्वारका जी दर्शन करते हैं, नाइटोल करते हैं, बाद में ये भेंट द्वारका आते हैं। 5% यात्री सीधा है भगवान का घर पर। जो यात्री लोग का कृष्ण के साथ रिलेशन रेवे, संबंध रेवे, वही यात्री लोग भगवान कृष्ण जी का घर के ऊपर में सीधा आते हैं। भगवान उनको यहाँ सीधा घर पर बुलाते हैं। कृष्ण के समय का यहाँ ओरिजिनल दो ही चीज,
एक कृष्ण जी का मेन मंदिर का जो दर्शन किया आप लोगों ने, माता रुक्मणी ने अपना हाथों से बनाया हुआ मूर्ति 5,500 साल का और भूमि प्राचीन, इनके ऊपर में यह तीसरी बार मंदिर बना। लास्ट में 2001 में भुज में जो भूकंप आया था, भूकंप में मंदिर टूट गया था, यह पत्थर का भी नया बना, झंडा बना पत्थर का। बाकी दो ही प्राचीन वस्तु, एक भूमि प्राचीन और ठाकुर जी का मूर्ति प्राचीन। यहाँ 10,000 लोग भेद द्वारका में रहते हैं, 8,000 मुस्लिम आबादी है, मछली पकड़ने वाले, फिशरमैन, नाव चलाने वाले, 2,000 में हिंदू आबादी है, 8,000 मुस्लिम है, 8,000 और 2,000 हिंदू है बस। यहाँ भगवान कृष्ण जी का घर के ऊपर में दर्शन के लिए आए, तो भगवान का घर से आप हंसते हंसते विदाई लो। भगवान कृष्ण जी आप फैमिली को सदाई हंसते रखे और आप सबको हंसाते रहो। जरा दिल खोल के झंडा दिखाई देते है, जरा हाथ ऊपर करके 3 बार हंस लो, जरा ठीक है। और ठाकुर जी को आप हमारी ओर से प्रार्थना करो, हम आपका प्रार्थना करेंगे, आप विद फैमिली को लेके ब्रिज से आओ, अभी ब्रिज चालू हो जाएगा जनवरी में, जनवरी में गाड़ी लेके आओ, गाड़ी आएगी। ठाकुर जी को आप प्रार्थना करो कृष्ण जी को कि ये पंडित जी को माता का दर्शन करना है, वैष्णो देवी का, जरूर हमारी प्रार्थना सुन ले, आप प्रार्थना करो। जी हाँ, जरूर बुलावे, जरूर धन्यवाद, बरोबर थैंक यू। वहाँ से अंदर मेन मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, तो अब हम वापस जाएंगे और जाएंगे मेन जो दूसरा जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल वहीं पे आते हैं, भेंट द्वारका में नहीं आते हैं, बट आपको यहाँ भी आना चाहिए, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपको करना है। तो चलो अब सीधा चलते हैं जो दूसरी मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल उसको बोलते हैं बट मेन टेम्पल ही है। जी पुल के बारे में बता रहे थे, वो ये वाला से लिंक है, ये जनवरी से ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर आप आराम से गाड़ी लेके बेट द्वारका जा पाएंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्की है, तो कैसे चिल्लाते लोग, भैया कैसे आए, गिर जाओगे, चना दाल नमकीन खाना चाहेगा कोई। अभी रस्सी से बांधेंगे और फिर हम उतरेंगे, से रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्लास्टिक ना फेंके, देखो अभी पानी में जाएगा कोई खाएगा इसको। अरे टायर फट गया। अच्छा टायर है, नहीं पागल है, लिफाफा है। हाँ ये देख कैसे बांध रहे हैं रस्सी से, को खींच के बांध देंगे, बांध रहे तो मैं आपको मिलूंगी सीधा जो दूसरा द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ पे, ये था बेंड द्वारका जहाँ से हम बोर्ड पे गए थे, सीधा चलते हैं द्वारका। यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है 40 रुपीज की और ये क्लोजिंग टाइम है इसका 5:30 PM, तो चलो लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं द्वारका जी, वहाँ से आपको आने के लिए भेंट द्वारका से आपको आने के लिए यहाँ पे 40 मिनट्स लगेंगे और अभी 8 बज रहे हैं और ये मंदिर 9:30 बजे क्लोज हो जाता है, तो चलो दर्शन करते हैं। Thank you.
के आए हैं, सबसे पहले गोमती रिवर आए हैं, यहाँ पे अपना स्नान कर सकते हैं। हमारे पास टाइम तो नहीं है तो हम थोड़ा बहुत मत्था टेकेंगे और फिर निकल जाएंगे। ये गोमती उसके बाद हम अंदर गए, हमने माथा टेका, हमें दर्शन करने के लिए एक दो घंटा लग गया, और अगर आप आ रहे हैं तो तीन चार घंटे तो आराम से निकाल के आए। और दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग।